होमवर्क। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का शिवम अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। शिवम को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। मम्मी, स्कूल का होमवर्क मैं कल करूंगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शिवम, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगी, इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। ओके टीचर। शिवम का दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शिवम से कहा, शिवम, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है, और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। क्या? हाँ। और फिर हमेशा की तरह शिवम अगले दिन पेट दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर से? चलो ठीक है, तुम आज भी घर पर आराम करो। इस तरह शिवम की स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर एक एक कर सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थी। तभी टीचर ने अपनी घड़ी में देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। ये देखकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसलिए जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स मैं कल चेक करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिला, तो अंकित ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊंगा। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया। और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होंगी। इस बार भी अंकित ने शिवम को ये बता दिया, आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि बाकी बच्चों की नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रही और शिवम कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। 6ठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की, तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ, तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो, इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम चुपचाप स्कूल जाते हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? शिवम को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाता हूँ। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुँचा। क्लास में जैसे ही टीचर की नज़र उस पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, शिवम, तो आज तुम स्कूल आ ही गए, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी। ये सुनकर शिवम बहुत डर गया। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर, आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गया। क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ, फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? सॉरी टीचर। तुम कल नोटबुक्स लेकर जरूर आना और भूल कर भी कल स्कूल की छुट्टी मत करना। ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर शिवम समझ गया था कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, अंकित, क्या तुम मुझे अपने तीनों सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स दे सकते हो? क्यों, तुम मेरी नोटबुक्स का क्या करोगे? टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक्स लाने के लिए कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक्स कम्प्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूंगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना।
नहीं, मुझे लगता है अब मैं इस काम को और नहीं टाल सकता, इसलिए अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पर तुम कल सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगे? पता नहीं, लेकिन अब होमवर्क करना पड़ेगा। अंकित ने शिवम को अपनी नोटबुक्स दे दी। शिवम अपने घर पहुंचा। वो सीधा अपने कमरे में गया और काम करने बैठ गया। वो सारा दिन और सारी रात लगातार काम करता रहा और सुबह होते होते उसने तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। काम पूरा होने पर उसने चैन की सांस ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो ही गया। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुँचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने शिवम से कहा, शिवम अपनी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। शिवम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गया। सारी रात ना सोने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक्स। टीचर ने शिवम का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने ये नोटबुक्स सारी रात जागकर कंप्लीट की है। उन्होंने शिवम को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जाकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल लग रही हैं। शिवम, इसलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सके। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। शिवम टीचर की बात समझ गया। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम साथ साथ ही करूंगा और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं टालूंगा। इस तरह शिवम की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वो हर काम समय पर करने लगा।